राजधानी रायपुर में चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे थाने से चंद दूरी पर ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि आज देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र की अलग अलग दुकानों से 15 से 16 लाख की चोरी हुई। बहरहाल मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस द्वारा CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। 11 बजे करीब पता चला दुकान खुलने पे, स्टाफ ने मेरे को बताया कि भैया दुकान के सारे ड्रॉर्स के ताले टूटे हुए हैं। ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे जो ऊपर एक लोहे का गेट और जाली है वहाँ से वो खुला था, वहाँ से शायद वो प्रवेश किए होंगे। और करीब करीब कैश अमाउंट गया है मेरा 12 से 13 लाख के आसपास का। देवेंद्र नगर क्षेत्र में ये जो मॉल के सिटी सेंटर मॉल के पीछे सुख सागर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा मार्केट है और उसके 3-4 दुकानों में चोरी की सूचना प्राप्त हुई। या मौके पर आके देखा गया तो एक नॉन निर्मित एक जिसमें निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है और उसमें चैली और स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बांस के हैं बंधे हुए हैं और संभवतः चोर जो है उसी से प्रवेश करके लगातार छत के इंटरकनेक्ट होने का फ़ायदा उठाते हुए एक दुकान से दूसरी दुकान एंटर किया है, जिसमें एक कपड़े की दुकान है, एक होम डेकोर की और एक हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ उसने चोरी की है। चोरी में सबसे अहम बात यह है कि उसने बाकी किसी भी चीज़ों को टारगेट नहीं किया है, केवल कैश को टारगेट किया है और सभी दुकानों से उसको कैश मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ जो हार्डवेयर की दुकान है वहाँ से था। ऐसा कुल मिला के अभी तक के जो जानकारी मिली है तीनों चारों दुकानों को मिला के 15-16 लाख के आसपास का मशरूका जो है वो चोरी हुआ है।